सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में वी हैव द अल्टीमेट मॉडिफिकेशन ऑफ महिंद्रा थार। आज की इस वीडियो में भाई मैं हूँ प्रो कस्टम कार्स में। भाई आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे। तो भाई अगर आपको मैं बताऊँ तो भाई इस कार के अंदर जो हम ऑडियो का काम भी करेंगे, साथ में फ्रंट के अंदर भी गाइस हेडलाइट्स को हमने यहाँ पे अपग्रेड करा है। जो स्टॉक आती है वो रिफ्लेक्टर थी, अभी इसके अंदर हमने भाई LED लगाई है DLLs के साथ। बाकी ऑडियो का काम करा हुआ है इसके अंदर हमने भाई, हमने AC वेंट लगाए जो कि हमारे G-Wagon स्टाइल में होते हैं। अब आपको मैं लेकर चलता हूँ कार की तरफ, एंड भाई जो काम हो रहा है आपको वायरिंग भी दिखाऊंगा किस तरीके से गाइस वायरिंग का हम काम कर रहे हैं, एंड जो भी काम है गाइस प्लग एंड प्ले वाला होने वाला है, कोई भी जो है वायरिंग कट इसके अंदर नहीं होगी। तो भाई काफ़ी लोगों के मन में ये रहता है कि भाई अगर हम आफ्टर मार्केट काम करवाते हैं तो जो वायरिंग है वो कट होगी, जिससे जो हमारी कार की वारंटी है गाइस उसका वॉइड होने का चांस रहता है। लेकिन यहाँ पे प्रो कस्टम कार्स पे भाई आपको ऐसा कोई भी डिफॉल्ट जो है देखने को नहीं मिलता। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि अगर आप देखोगे भाई इसका कपलर, तो भाई ये वाला जो है हमारा महिंद्रा से स्टॉक आता है जिसके साथ में भाई हमने अपना लगाया। तो भैया इसमें कोई भी वायरिंग कट तो नहीं होने वाली? कोई वायरिंग कट नहीं होने वाली भैया, क्योंकि ये महिंद्रा का जो थार में कपलर आता है इस प्रकार का ये कपलर है। इसके आगे हमने अपना अपना कपलर लगाया है, ठीक है ना। जैसे जिस तरीके से ये कपलर आते हैं इसके करके, इसके आगे हमने अपना कपड़ा लगा दिया, इसके आपकी कोई वायरिंग नहीं कटी है, कोई कुछ नहीं हुआ है। सो गाइस फ्रंट से अगर आप देखते हो तो भाई इसके अंदर जो है यहाँ पे हमने ऐसी कुछ हेडलैम्प्स इंस्टॉल करी है, जिसका गाइस अभी मैं आपको इसका रिस्पांस भी दिखाता हूँ। साथ में अगर आप देखोगे तो भाई इसके अंदर पूरी जीप रैंगलर टाइप जो है इसके अंदर हमने ग्रिल इंस्टॉल करी है। अगर आप चेक करोगे तो भाई जो कार की जो फ्रंट लुक है भाई पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। प्रो कस्टम कार्स का गाइस यहाँ पे आपको जो है नंबर प्लेट देखने को मिल जाएगी। अगर गाइस आपको मैं एक बार बोर्ड दिखाता हूँ तो वो भी आप जो है चेकआउट। गाइस ये जो है हमारा शोरूम हमारा पंजाबी बाग में लोकेटेड है। बाकी जो है ब्रदर का यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी आपको इधर मिल जाएगी, एंड प्रो कस्टम कार जो है दो आईडीज है, तो जाकर आप जरूर से फॉलो कर सकते हैं फॉर न्यू अपडेट्स। अगर हम बात करें भाई हमारी लाइटिंग सेटअप के अंदर, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं हमारे फॉग लैंप्स के अंदर, तो भाई देख सकते हो स्टॉक जो हमारे हैलोजन आते हैं, लेकिन भाई LED को इंस्टॉल करने के बाद जो कार की जो फ्रंट से गाइस लुक है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। साथ में जो लाइट्स का रिस्पॉन्स है गाइस वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। फॉग लैंप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्रिस्टल आई की LED इंस्टॉल करी है हमने, जो कि हमारी 120 वोल्ट्स के अंदर हमको इसके अंदर देखने को मिलेगी। एंड गाइस ये काफ़ी ज़्यादा भाई कंपेटेबल होती है, यूनिवर्सल होती है, कोई भी कार के अंदर जो है आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड गाइस अगर हम बात करें तो फ्रंट की हमारी हेडलैम्प्स है, तो भाई वो आप देखोगे किंग कॉन्ग का इस थार के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके साथ में भाई अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा और डिज़ाइन भी अवेलेबल है। तो भाई अभी जो है ये प्लेन हमने DRL में है, साथ में इसके अंदर भाई लोबी में एंड हाईबी में दोनों इसके अंदर ही जो हमको इंक्लूडेड देखने को मिल जाएगी। एंड फ्रंट से भाई कार के अंदर जो सारी मॉडिफिकेशन आपके सामने जो क्या पूरी तरीके से चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइस इसके अंदर जो टॉप पे हमने भाई हमारी हमर लाइट्स भी लगाई है, तो इसके अंदर जो कि दो वैरायटीज होते हैं, एक तो भाई ये है एंड एक दूसरी जो गाइस अपना इतना सा पीस आता है वो इधर अपना इंस्टॉल हो जाता है। तो ये देखोगे तो भाई ये ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। इसके अंदर भाई हमें ऑरेंज लाइट्स एंड वाइट दोनों ही इसके अंदर हमको ऑप्शन जो है अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। गाइस उसके बाद अगर हम स्टार्ट करें अपनी रियर प्रोफाइल से, तो भाई रियर प्रोफाइल से आप देख सकते हो भाई इसकी हेडलैम्प्स, एंड इसके नीचे भी हमने इंस्टॉल करी है हमारी थार के जो काफ़ी ज़बरदस्त है। इसके अंदर हमने रिफ्लेक्टर्स भी इंस्टॉल करे हैं, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो भाई दोनों ही साइड के कितने ही बेहतरीन लुक दे रहे हैं कार को रियर से देख सकते हो भाई। एंड कार के अंदर भाई हम इंस्टॉल कर रहे हैं हमारी वाइब्रो फिल्टर की टॉप नॉच क्वालिटी की डैम्पिंग, जो कि भाई हमारे 2.2 mm ऑफ थिकनेस जो है ये वाली हमको प्रोवाइड कर देगी। साथ में जो भाई ये हमारी डैम्पिंग है ये काफ़ी जो है बेहतरीन होती है। एंड इसके भाई डैम्पिंग अगर आपको मेजर बेनिफिट्स बताऊँ भाई, एक तो ये जो हमारी बाहर की जो भाई साउंड आती है, एंड जो अगर अंदर इंटीरियर से भी रैटलिंग नॉइज आती है वो भाई बिल्कुल यहाँ पर जो हट जाती है। साथ ही में एक और अच्छा यूज़ है भाई, इस जो साउंड क्वालिटी है कार की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि भाई डोर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हमारी इसमें हैवी हो जाती है। तो भाई इसके अंदर हम ड्यूल एयर डैम्पिंग करेंगे हमारी दोनों दरवाजों में, साथ में हमारी डिक्की भी गाइस डैम्प होगी। तो जैसे ही डैम्पिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा आपको मैं वो भी जो चेकआउट करा दूंगा। उससे पहले आप देख सकते हो भाई हमारी वाइब्रो फिल्टर की डैम्पिंग भाई ये हमारी होने वाली है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की गाइस, एंड काफ़ी सुप्रीम क्वालिटी की ये जो है देखने को हमको मिल जाएगा। इस कार के अंदर भाई हमारे रियर में भी आर्मरेस्ट जो है इंस्टॉल होने वाली है। ये आर्मरेस्ट भाई आपके सामने अवेलेबल है, आप देख सकते हो भाई जो आर्मरेस्ट की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। यहाँ पे हमको भाई इसके अंदर थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाएगा, जिसके अंदर भाई आप अपना थोड़ा बहुत सामान भी रख सकते हो, इधर फोन होल्डर कप होल्डर है। साथ में अगर आप देखोगे तो भाई इसके अंदर हमारा चार्जिंग पॉइंट भी आ जाता है, जो कि भाई हमारे USB वाला होने वाला है, एंड काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो ये भी भाई काफ़ी एक मस्ट एक्सेसरी जो कि आपको अपनी थार के अंदर लगवा लेनी चाहिए। यहाँ पे थार की ब्रांडिंग भी आपको जो है देखने को मिल जाएगी। बाकी जैसे ही अपनी कार में इंस्टॉल होगा आपको मैं कार की पूरी फाइनल लुक साथ में जो भी एक्सेसरीज इंस्टॉल करी है उसके बारे में बता दूंगा। एंड गाइस अगर आपको प्राइसिंग जाननी है तो भाई यहाँ पे आपको प्रो कस्टम्स का यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर नीचे अवेलेबल होगा, एंड आपको स्क्रीन पे भी गाइस ये फ्लैश हो रहा होगा, तो वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को भी पूछ सकते हैं। इंटीरियर में अगर हम बात करें हमारी और एक्सेसरीज के बारे में, तो सबसे पहले देखोगे भाई इसके अंदर हमने हमारी कार्डी की एम्बेड लाइट इंस्टॉल करी है। तो कार्डी की K3 सीरीज की गाइस एम्बेड लाइट इंस्टॉल करी है भाई, देख सकते हो ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी होने वाली है। अभी डे का टाइम है फिर भी आप इसकी ब्राइटनेस देखोगे नाइट में, तो गाइस आपको मैं रिस्पॉन्स दूंगा वो काफ़ी और ज़्यादा आपको इसके अंदर अच्छा देखने को मिल जाएगा। पूरा भाई अपना इसमें डैशबोर्ड में भी पूरी लाइट जो है अपने इसमें देखने को मिल जाएगी हमको। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो भाई एम्बेड लाइट अपनी पूरी भाई,
उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर हमने जी वैगन स्टाइल के जो है यहाँ पे एसी वेंट्स भी लगाए हैं, जो कि भाई ये सारी जो लाइट्स इसके अंदर हमने इंस्टॉल करी है, फोन कंट्रोल होने वाली है। तो फोन से गाइस इसका कलर जो है चेंज आपको देखने को मिल जाएगा, तो फोन से इसका कलर भी जो है चेंज कर सकते हो। एंड अंदर भाई काफी जबरदस्त आपको मैं चीज दिखाऊँ तो भाई इसका जो पूरा स्टीयरिंग है वो इसके अंदर हमने रैप करा हुआ है, तो आप देख सकते हो भाई रेड स्टिचिंग के साथ में पूरा स्टीयरिंग प्रॉपर फिनिशिंग के साथ इसके अंदर हमने रैपिंग करी हुई है। तो देखोगे जो लेदर क्वालिटी है गाइस वो भी काफी फाइन है, एंड अगर आप टच करोगे तो भाई वो ग्रिप भी इसके अंदर जो फील होने वाली है। एसी वेंट्स की आप लुक चेकआउट कर सकते हो, ये हमारी एम्बिएंट लाइट है। ये वाले डोर का गाइस अभी यहाँ पे डैम्पिंग होने वाली है पूरी, तो जैसी डैम्पिंग होगी उसके बाद हम इस डोर की गाइस एम्बिएंट लाइट को इंस्टॉल कर देंगे। अगर हम बात करें हमने ऑडियो का जो इसके अंदर हमने काम करा है, तो भाई यहाँ पे जो है हमने इसके अंदर इंस्टॉल करा हमारे कॉम्पोनेंट्स। तो भाई ये है हमारे स्टैग, इटली के काफ़ी भाई फेमस ब्रांड है, काफ़ी जो है रिलायबल ब्रांड है। तो इस सीरीज के भाई इसके अंदर हमने कंपोनेंट्स इंस्टॉल करे हैं। एमआरपी आप यहाँ पे देख सकते हो भाई। इससे अगर हम ट्विटर्स देखेंगे तो भाई ट्विटर्स हमारे इस साइड प्लेस्ड है, एंड क्रॉसओवर जो होता है इस कंपोनेंट्स के अंदर, इस वाले कंपोनेंट्स के अंदर इनबिल्ट आता है, तो वो देख सकते हो काफ़ी अच्छा आने वाला है। ये आप देख सकते हो भाई ये इसके अंदर हमने इंस्टॉल करा है। बाकी अगर हम बात करें ऊपर के साइड जो भाई स्पीकर्स है, तो ऊपर जो अभी कस्टमर ने स्टॉक रखे हैं, बिकॉज उनका थोड़ा बजट भी आउट हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि भाई नेक्स्ट टाइम वो जो है इस चीज़ को अपना अपग्रेड करेंगे। गाइज नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमने एम्पलीफायर गाइज इस कार के अंदर इंस्टॉल करा है, तो देख सकते हो भाई डीडी की ऑडियो के यहाँ पे रेडलाइन सीरीज का एम्प इसके अंदर हमने इंस्टॉल करा है। गाइज अगर आपको इसकी प्राइसिंग जाननी है तो आपको स्क्रीन पर जो यहाँ पे भैया का नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके जो है सारी आइटम्स की प्राइसिंग भी जान सकते हैं। बाकी मोनो एम्प अभी इसके अंदर इंस्टॉल नहीं करा, यहाँ पे डीडी ऑडियो का सिंपल 4 चैनल एम्पलीफायर हमने इसके अंदर इंस्टॉल करा है। मॉडल नंबर भाई आपको यहाँ पे विजिबल है, 400 वॉट्स का हमारा गाइज हमारा होने वाला है, काफ़ी रिलायबल है। बाकी अगर इस भैया भी जो इसकी फिटिंग कर रहे हैं आप चेकआउट कर सकते हो, फिटिंग जैसी सी कंप्लीट हो गया आपको मैं चेकआउट जो है करवा दूँ। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें जो आइटम इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो आती है इसकी हमारी एम की वायरिंग किट। सो गाइस एम की वायरिंग किट मैं आपको रेकमेंड करूँगा गाइस, आप हमेशा जो है अपना हाई एंड में जाइए। हाई एंड का ये मतलब नहीं कि बजट को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दीजिए, क्वालिटी को इंक्रीज़ करें, क्योंकि जो भाई हमारी वायरिंग किट होती है ये काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है हमारी ऑडियो के अंदर। तो भाई जैसे कि आप जानते हो इस कॉशे की गाइस जो वायरिंग किट है काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होती है, तो इसलिए भाई कस्टमर को भी हमने ये रेकमेंड करा कि गाइस आप भी अपनी कार के अंदर जो है इसको इंस्टॉल करें। गाइस अभी जो यहाँ पे भैया अपनी एम्पलीफायर की वायरिंग अपनी बैटरी एंड टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं, बाकी भैया अपनी वायरिंग जो है कंपोनेंट से कनेक्ट हो चुकी है। तो आप जो चेकआउट इसमें कर सकते हैं। तो भाई देखोगे यहाँ पे इसके अंदर में स्कॉशे की हाइलो कन्वर्टर भी ऐड कर रहे हैं, तो भैया आप एक बार इसका यूज़ बता सकते हो? यूज़ इसका भैया इस काम आता है कि कंपनी का स्टीरियो लगा हुआ है जी, ठीक है ना, इसमें 8 लीड का ऑप्शन नहीं होता है। ओके तो हम आउटपुट यहाँ से है ना मेल फीमेल कपड़ा लगाएंगे, ओके वहाँ से स्पीकर के आउटपुट इस इनपुट डिस्प्ले देंगे, यहाँ से RC से भी आउटपुट निकलेगी। अच्छा तो मतलब ये जो है हेड यूनिट में मतलब मस्ट होना चाहिए, ये होना ही चाहिए, लगेगा नहीं जब तक ये लगेगा नहीं, तो ये बंदा ने नहीं लगाया समझ लो आपकी गाड़ी की वायरिंग काट के RC एम्पलीफायर चलाया आपका, ठीक है। तो भाई अगर आप चाहते हो आपकी गाड़ी की जो वारंटी वर्ड जो बरकरार रहे, तो उसके लिए भाई ये जो है लगवाना मस्ट होने वाला है, और प्लस इससे आउटपुट भी अच्छी निकलती है, आउटपुट में भी इंक्रीज आता है, आउटपुट भी इंक्रीज आता है, ठीक है। सो गाइस अभी जो है कार का फाइनली जो है काम एकदम कंप्लीट हो चुका है, एक बार बस ऑडियो सेट करना गाइस रह गया है। आपको मैं एक बार डिटेल में बता देता हूँ दोबारा से गाइस कार क्या इंस्टॉल करा है, साथ में जो फिट एंड फिनिश आई है कार की वो भी आपको मैं चेक करा दूंगा, एंड साथ में भाई इस कार के अंदर हमारे वूफर भी लगा है जो कि हमारा इन्फिनिटी सीरीज को आने वाला है, तो वो भी आपको मैं गाइस एक बार बढ़िया से जो है सुना दूंगा। बाकी अगर आपको पंजाबी में गाइस आउटपुट चेक करना है, तो गाइस आप हमारा इंस्टाग्राम भी जो है चेकआउट कर सकते हैं। रियर में मैं आ चुका हूं, आप देख सकते हो भाई यहाँ पे जो है ये वाला गाइस हमारा वूफर लगा हुआ है। तो गाइस इस वूफर की सबसे खास बात ये है कि भाई पूरी डिक्की जो है ये कवर अप नहीं कर रहा, साथ में जो हमारा बेस आ रहा है वो भी इसके अंदर वो काफ़ी अच्छा देखने को जो है मिल जाता है। पूरी भाई डिक्की जो यहाँ से अभी डैम्प हो चुकी है, वो भी आपको भाई अगर मैं क्वालिटी चेक करवाऊँ तो आप देख सकते हो, तो जो भाई जो हैवीनेस है डोर की वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। बंद कर यार, आप एक डिफरेंस देख सकते हो भाई यहाँ पे अपने डैम के साथ यहाँ पे नॉर्मल बा वो आप चेकआउट जो है कर सकते हो। बाकी अगर आपको मैं एक बार इसके इंटीरियर में लेके चलता हूँ, तो इंटीरियर में भाई अभी ये पैनल जो है पूरा रैप अप होने वाला है, तो भाई फ्रंट में जो डैम्पिंग अभी कस्टमर का टेस्ट नहीं था तो उन्होंने भाई अभी मना कर दिया डैम्पिंग के लिए। बाकी अंदर आप देखोगे तो भाई MES लाइट पूरी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है विद हमारे जो RGB वेंट्स है वो, एंड आप देखोगे तो जो MES सेटअप काफ़ी अच्छी लग रही है, सभी थोड़े मच्छर हो चुके हैं तो उसके लिए सॉरी। एक बार भाई आपको मैं जो फोन से कंट्रोल होकर गाइस MES लाइट है वो एक बार चेक करा देता हूँ, बिकॉज अभी आप चेकआउट कर सकते हो भाई, आपको मैं दिखाता हूँ अपना फोन कंट्रोल गाड़ी की गाइस होने वाली है। तो भाई आप चेकआउट कर सकते हो भाई फोन से एकदम जो है लाइटिंग का एक बार आपको चेक कराता हूँ। बाकी गाड़ी का गाइस ऐप है, तो यहाँ से आप देखोगे अगर मैं फोन से भाई चेंज कर रहा हूँ तो भाई एकदम जो कलर चेंजिंग होने वाला है, काफ़ी प्यारा लग रहा है, देख रहे हो
चाहे आपके पास थार हो चाहे कोई भी कार होगा, ये जो है एक काफी अच्छी मॉडिफिकेशन है जो कि आप अपनी कार में करवा सकते हो अपने इंटीरियर को कस्टमाइज कराने के लिए। बाकी भाई ये रहा अपना महिंद्रा का नया लोगो जो कि आप देख सकते हो न्यू थार में आ चुका है। तो भाई ये जो है एकदम 2022 की लेटेस्ट थार होने वाली, जिसके अंदर गाइस हमने आज जो है मॉडिफिकेशन करी है। जो मैं आपको आउटपुट चेक कराता हूं, आउटपुट का एकदम चेक हो चुका है, आप चेकआउट कर सकते हैं। हम आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। होप करते हैं आपको हमारी आज की थार की जो मॉडिफिकेशन पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से कर देना, साथ में गाइस कमेंट्स में जरूर बताना आपको भाई वीडियो कैसी लगी एंड इस मॉडिफिकेशन को आप कितना रेट करना चाहोगे वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर से गाइस पिन डाउन कर देना।